أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارك الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على جميع الأنبياء سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين اللعنة القائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه وأصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة शर्त यह है कि जिस
रस्ते पर हुसैन इब्ने अली ने कहा है उस रस्ते पर वो चलता रहे। अहलम अल्लाह तआला की तरफ से मखलूक और खालिक के दरमियान वो रस्सी है जिससे तमस्सुक का हमें खोल दिया गया है। इसकी एक इरशाद फरमाया गया, मा इन तमस्सक तो जब तक इनसे तुम तमस्सुक अख्तियार किए रखोगे, लम तज़िलु बादी अबदन, कभी भी गुमराही तुम्हें छुएगी नहीं। अहलुल बैत से तमस्सुक का हुक्म क्यों है? इसलिए कि अहलुल बैत सिर्फ शख्स नहीं है, सिर्फ अल्लाह के रसूल की तरफ से उनसे नस्बत रखने वाली कुछ हस्तियों का नाम अहलुल बैत नहीं है, बल्कि जब हम कहते हैं अहलुल बैत तो अहलुल बैत से मुराद जमीन और आसमान के दरमियान जो हस्तियां पुल और ब्रिज का काम करती हैं वो हस्तियां हैं। इन मखलूक को खालिक से जोड़ देगा जरिया अहलुल बैत कहलाता है। मखलूकात खुदा को अल्लाह की बारगाह से दूर होने से रोकने का जो जरिया है उसका नाम अहलुल बैत है। इसलिए आप ये देखते हैं कि मोहब्बत के एतबार से तमाम मसालिक, तमाम मकातिब फिक्र अहलुल बैत अलैहिस्सलाम की अजमतों के हवाले से कोई भी मुनकर नहीं है। यानी किसी शख्स ने अगर कलमा पढ़ा है, दीन में दाखिल हुआ है, वो कभी भी अहलुल बैत से इनाम के हवाले से, बोझ के हवाले से कभी भी उसका इजहार नहीं कर सकता। अगर इजहार करे तो खुद इस्लामी मुआशरा उसको एक रद्द अमल देता है। लेकिन ये आज की बात है, आज जब अहलुल बैत अलैहिस्सलाम के हुकूम पर डाका डाला गया, जब अहलुल बैत अलैहिस्सलाम का हक मारा गया, जब अहलुल बैत अलैहिस्सलाम के मकाम और मनसब को रसूल करीम मुसलसल बयान फरमा रहे थे, तो उस वक्त लोगों के अंदर ये शोर क्यों नहीं था? ये सोचने वाली बात, ये एक सवाल है और सोचने का मकाम है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उस 23 साल जिंदगी में अपनी अहलुल बैत के मकाम को बयान करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं दिया। और ये अहले सुन्नत भी कहते हैं और अहले तशय्यो भी, लेकिन उसके बावजूद लोग खामोश क्यों रहे? लोग क्यों बाद में अहलुल बैत की हिमायत में खड़े नहीं हुए? लोगों ने क्यों गदीर को बुला दिया? लोगों ने क्यों सकीफा के मकाम पर अहलुल बैत का साथ देने की बजाय या खामोशी इख्तियार कर ली, या फिर इख्तदार में मौजूद लोगों के साथ खड़े हो गए? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं, इन सवाल का जवाब चाहिए, इन सवाल का मक़ूल जवाब चाहिए, मक़ूल जवाब जो इंसान को समझ आए। एक बात जो आपको मैं चाहूँगा कि आज की इस मजलिस में आप कम अज़ कम आज की इस मजलिस से लेकर जाएं, वो ये है कि ये याद रखिए कि जब तरबियत होती है तो उस तरबियत के नतीजे में बाज़ चीज़ें आहिस्ता 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 इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा बन जाती है। लेकिन ज़िंदगी का हिस्सा बनते बनते उसको टाइम लगता है। मसलन आप अपने ख़ानदान में देख लें, जो असील ख़ानदान है, जो अच्छे ख़ानदान कहलाते हैं, जो दीनदार ख़ानदान कहलाते हैं, उनके पास एक रिवायत होती है ख़ानदानी। ये जो ख़ानदानी रिवायत होती है वो किस चीज़ का नाम है? मेरे आबा ये करते थे, मेरे अजदाद ये करते थे, मेरे बुजुर्ग ये करते थे, हमारे ख़ानदानों में कदीम से ये सिलसिला चला आ रहा है। यानी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ख़ानदानों में नस्ल दर नस्ल आगे मुंतकिल होती है, और जितनी उस पर तवज्जो ज़्यादा होती है माजी की नस्बत आने वाली नस्ल उसको ज़्यादा मजबूती से थामती है। इस्लाम भी ऐसा ही है। इस्लाम जब आया तो नबी करीम एक ऐसे माशरे में आए जहाँ पर हर तरफ बुतों की पूजा थी,
जहां पर हर तरफ बुत परस्ती थी, बुत परस्ती से लोगों को निकालकर तौहीद के दायरे में लाने से एकदम लोगों के अंदर मौजूद वो तमाम चीजें खत्म तो नहीं होती, उनको एक प्रोसेस चाहिए, मुसलसल मेहनत चाहिए। इसलिए हम अहादीस में देखते हैं कि बाज़ लोग नबी करीम की बारगाह में आते थे, कहते थे या रसूलल्लाह क्या ऐसा हो सकता है कि एक साल हम अपने बुतों को पूजें और एक साल आपके खुदा की इबादत करें। आते थे रसूल करीम के पास, क्यों? इसलिए कि माजी से अपना रिश्ता तोड़ना और एक नए रिश्ते में इस तरह से ढलना कि माजी के असरात खत्म हो और वो उस नए रिश्ते में मुकम्मल तौर पर जम हो जाए, ये आसान काम नहीं है। इसके लिए तरबियत चाहिए, इसके लिए तरबियत चाहिए, और तरबियत नस्लों का पता दे दिया है। इसलिए आप खानदानी लोग किसको कहते हैं? जब आप अपने इर्द गिर्द निगाह दौड़ाते हैं, कुछ लोगों कहते हैं ये बड़े खानदानी लोग हैं। खानदानी लोगों का मतलब क्या होता है? उनके खानदान में कुछ वैल्यूज, कुछ कल्चर, कुछ अकदार, कुछ ऐसी बातें जो दूसरों में नहीं होती, राज़ होती है, और वो उन अकदार और वैल्यूज को जिंदा रखकर उस पर अमल कर रहे होते हैं। इसलिए जब आप किसी ऐसे आला तालीम याफ्ता घराने को देखें, उनके बच्चे आपको पिछली नस्ल की निस्बत ज्यादा बेहतर तौर पर पढ़े लिखे नजर आएंगे, लेकिन जिन घरों में पीछे जहालत नजर आएगी, उनके बच्चे इतनी आसानी के साथ वो मकाम हासिल नहीं कर पाते। एक प्रोसेस है, वक्त का एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस से गुजर कर ही नस्लें बेहतर होती हैं। इसलिए नबी करीम ने इस्लाम की जो दावत दी वो 23 साल के अरसे में दी, लेकिन उस 23 साल के अरसे में अभी बड़ा कुछ होना बाकी था। इसलिए बहुत सारे लोग आते थे नबी करीम की बारगाह में, अर्ज करते थे कि या रसूलल्लाह हम ईमान ले आए, कुरान ने कहा कि ए रसूल इनसे कहिए ये ईमान नहीं लाए। क्या मतलब ईमान नहीं लाए? कुरान ने कहा वकादतिल अहराबु आमन्ना कुलु अस्लमना वलाकिन, ये अराब, ये अरब बागिया नशीन दयाबी, ये आकर आपसे कहते हैं या रसूल हम ईमान लाए, इनसे कहिए नहीं तुम ईमान नहीं लाए। तो कहा है मोहम्मद रसूलुल्लाह तो कहा है, लेकिन कुरान कहता है नहीं अभी ईमान ये नहीं लाए। फिर कुलू अस्लमना, इनसे कहिए ये इन्होंने इस्लाम कबूल किया है। इस्लाम कबूल करने का क्या मतलब है? वलाकिन लातुदखिलुल ईमान, लातुदखिलुल ईमान फी कुलूबिकुम, अभी ईमान तुम्हारे दिलों में दाखिल नहीं हुआ। तो इसका मतलब है ईमान के दिलों में दाखिल होने के लिए कुछ शराइत हैं, कुछ ऐसी जरूरी चीजें हैं जिनकी मौजूदगी में ही दिल अहले ईमान बन सकता है, दिल अल्लाह की बारगाह में तस्लीम में खम होता है, दिल पाकीज़ा होता है। लेकिन जब तक वो चीजें मौजूद ना हो उस वक्त नहीं होता। लिहाजा अहलुल बैत अलैहिस्सलाम की सीरत, अहलुल बैत अलैहिस्सलाम की तालीमात, अहलुल बैत अलैहिस्सलाम से इत्तबा का हुक्म इसलिए है कि वो जो इस्लाम को पहुंचाने का फरीजा है वो अदा हो गया। अब उस पहुंचाने के बाद इस्लाम को ईमान की शक्ल में लोगों के दिल, दिमाग, खून और उनकी रगों में बहने वाले लहू के हर कतरे के साथ उस इस्लाम को जिंदा करने के लिए एक मुसलसल तरबियत चाहिए, और जो ये तरबियत कर सकता है उसको नबी की तरह होना चाहिए। लिहाजा अहलुल बैत अलैहिस्सलाम को इस हवाले से मुरब्बी बनाकर नबी करीम ने पेश किया है। लिहाजा कुरान करीम में क्या पढ़ते हैं? कुरान करीम में पढ़ते हैं इस बात से कि हम रसूल अल्लाह ने उन्हें अलैहिम आयत ही मुज़क्किर वो युअल्लिमुहुम अल-किताब वल-हिक्मा, अल्लाह तबारक व तआला ने एक रसूल को तुम ही में से तुम्हारे दरमियान भेजा जो तुम्हारे अंदर तीन काम करता है। तीन, वो तीन काम क्या है, कौन से काम? यतलू अलैहिम आयत, अल्लाह की आयत की तिलावत,
अल्लाह की आयात की तिलावत तो करता है लेकिन कितने लोग उसको कबूल करते हैं? वो उनके अंदर मौजूद उन कैफियात पर नजर है कि कितने पाक है। जितना दिल पाक है उतना वो कबूल करेंगे, जितना दिल नापाक है उतना वो दूर रहे। रसूल का काम है कुरान की आयात की तिलावत करना और उन कुरानी आयात की तिलावत के जरिए से इन लोगों का तस्किया करना, तस्किया यानी उनको पाक करना, उनकी तथहीर करना, उनको अंदर से धोना, अंदर से उनको साफ करना। लेकिन इस साफ करने के लिए सामने वाले का बर्तन भी आमादा होना चाहिए। इसलिए जरूरी नहीं है कि जो लोग ईमान लाए वो जिन्होंने कलिमा पढ़ा वो मुकम्मल तौर पर अपने अंदर ईमान को भी जिंदा करने में कामयाब हुए हो। इसी की तरफ तो कुरान इशारा करता है जो कहता है कि ला युदखिलुल ईमान फी कुलूबिकुम, अभी ईमान तुम्हारे दिलों में दाखिल नहीं हुआ। इसीलिए हम सूरह जुम्मा में पढ़ते हैं कि जब नबी करीम नमाज जुम्मा के लिए खड़े हैं, नमाज जुम्मा के लिए खड़े हैं, कौन खड़ा है? नबी करीम। कहां पर खड़े हैं? मस्जिद नबवी में। किसकी बारगाह में? अल्लाह की बारगाह में। सूरह जुम्मा क्या कहता है? कैसे लोग हैं जो बाहर अल्लाह को तहिर के लिए आपको नमाज में खड़ा छोड़कर निकल जाते हैं ताकि खवातीन के गाने सुन सके, मालूम बता दे सके। कलिमा पढ़ा है उन्होंने, कलिमा पढ़ा है, इस्लाम भी कबूल किया है, लेकिन तरबियत अभी नहीं हुई। जब तरबियत नहीं हुई तो फिर ये होता है कि रसूल नमाज के लिए खड़े होते हैं, लोग पीछे अल्लाह अकबर के खड़े होते हैं, बाहर ढोल की आवाज आती है, नमाज में रसूल को छोड़कर निकल जाते हैं बाहर, मालूम बता देंगे। और अल्लाह सूरह जुमा में उनकी फिर तौबीख भी करता है, मजम्मत भी करता है, समझाने की कोशिश भी करता है, भाई ये काम मुसलमान का नहीं है, ऐसा ना करो। लेकिन क्या आज कोई ये तसव्वुर कर सकता है कि कोई एक आम फर्द, रसूल नहीं, इमाम नहीं, वली नहीं, कोई बहुत बड़ा आरिफ नहीं, एक आम फर्द, एक आम मौलाना, एक आम खतीब नमाज जुमा के लिए खड़ा हो और लोग नियत बांध के खड़े हो जाए, बाहर डोर की आवाज आए तो छोड़ के निकल जाए, आज तसव्वुर हो सकता है? नहीं। क्यों? इसलिए कि उस वक्त अभी तरबियत का प्रोसेस चल रहा था और आज तरबियत उस मकाम तक पहुंच चुकी है कि इस 1400 साल के अरसे में ये चीज एक मुसलमान की जिंदगी का एक ऐसा हिस्सा बन चुकी है कि अब वो शख्स इस तरह की किसी कार्रवाई और इस तरह की किसी हरकत का सोच भी नहीं सकता। ये कैसे हुआ? जमाने के गुजरने के साथ साथ ये कैसे हुआ? तरबियत के एक प्रोसेस से गुजरने के साथ। इसलिए शायद मैंने ये शायद आपके सामने नकल नहीं किया, कुरान करीम की जितनी भी सूरतें हैं इन सूरतों में से कुछ जो है वाज़ह है, उनकी उनका मतलब, उनका खिताब, उनका बयान क्या कहना चाह रहा है, मुहकम मुहकम आयात। यानी आप जाहिर देखते हैं तो समझ जाते हैं कि इस आयत से मुराद ये है, जाहिरी जो मुराद। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनका मानना अभी तक हमें मालूम नहीं है। जब सूरह इखलास नाज़िल हुआ, सूरह इखलास, सूरह इखलास यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस्समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद, जब ये सूरत नाज़िल हुई तो लोगों ने इस सूरत को सुन तो लिया लेकिन नबी करीम ने फरमाया कि देखो ये सूरत हिफ्ज़ कर लो, अपनी नमाजों में भी पढ़ो, अपनी औलादों तक मुंतकिल भी करो, ये नस्ल दर नस्ल सूरत कुरान आयात तुम्हारी नस्लों में आगे बढ़ेंगी, एक नस्ल ऐसी आएगी जिसको इसकी समझ आएगी, आज तुम्हें समझ नहीं आ रही। क्यों? वक्त के गुजरने के साथ साथ फिक्र बढ़ती है, माहौल मिलता है, इंसान उस सांचे में डलता है। जैसे अब आप एक आम नौजवान रेंगरूट को जब पुलिस में या फौज में दाखिल करते हैं तो इब्तदाई कुछ अरसा जो है वो सीखने में गुजारता है और हर रोज गलतियां करता होता है,
लेकिन जब उसकी जिंदगी का एक लंबा अरसा गुजर जाता है उस ट्रेनिंग में, तो उसके बाद अब उसकी आम जिंदगी में भी उसकी उस ट्रेनिंग का असर नजर आ रहा होता है। ये उस प्रोसेस का नतीजा है। लिहाजा जब दीन में ये जो तरबियत का अंसर था, इस तरबियत के अंसर की जरूरत को सामने रखते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की रिसालत और नबूवत के इख्तिताम के बाद, आपके विसाल के बाद सिर्फ किताब काफी नहीं थी, बल्कि उस किताब के साथ नमूने अमल ऐसी हस्तियों की जरूरत थी जो लोगों को अपने प्रैक्टिकल लाइफ के जरिए से ये भी बता सके कि अमल में मुझ में और नबी में कोई फर्क नहीं आए, ये भी बता सके कि जो नबी का अमल था वही मेरा अमल आए, ये भी बता सके कि जिस तरह नबी पाक थे मैं भी पाक हूं, ये भी बता सकें कि जिस तरह से नबी सादिक थे अमानतदार थे उसी तरह से मैं भी सादिक और अमानतदार हूं, ये भी बता सके कि जिस तरह से नबी पर कोई उंगली नहीं उठा सकता था उनके किरदार उनकी गुफ्तार उनके अफकार के हवाले से, मैं भी उसी का एक अमली नमूना हूं और मुझ पर भी कोई किरदार पर उंगली उठा नहीं सकता। तो अब वो शख्सियात जिनमें ये कमालात मुतजल्ली हों और उन शख्सियात के अमल से ये किरदार मुनअक्किस हो इंसानों की तरफ, वो कौन है, वो कौन है? क्योंकि दीन सिर्फ नबी करीम की अपनी हाल हयात तक महदूद तो नहीं है, दीन ने आगे बढ़ना है। जब आगे बढ़ना है तो उस तरबियत के लिए एक ऐसे मुरब्बी, एक ऐसे मुअल्लिम, एक ऐसी पाकीज़ा शख्सियत का हर दौर में होना जरूरी है जो नबी ही की तरह से हर लिहाज से पाको पाकीज़ा हो, अगरचे नबूवत का मतलब उनके पास हो। लिहाजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दीन की हिफाजत के लिए अल्लाह के हुक्म से जिन हस्तियों का नाम लेकर हाथ थाम कर और लोगों को मुतवज्जेह करके ये हुक्म दिया कि सिर्फ कुरान काफी नहीं है, बल्कि इस कुरान के साथ एक जिंदा कुरान, एक बोलते कुरान, एक चलते फिरते कुरान की जरूरत है, और वो चलता फिरता कुरान तुम में से कोई इसलिए नहीं हो सकता कि तुम्हारी इब्तदा उस तरह से पाकीजा नहीं है जिस तरह से मेरी इब्तदा पाकीजा है। लिहाजा ये बात याद रखिए, ये बात राय याद रखिए कि जिन शख्सियात के हवाले से नबी करीम ने बाज़ औक़ात में मफहूम बयान किया, बाज़ औक़ात में उन मफाहीम का मिस्दाक बयान किया, जब कहा तुम्हारी इमामत ऐसे शख्स के हाथ में होनी चाहिए जिसमें ये कमाल हो, ये कमाल हो, ये कमाल हो, ये कमाल हो, ये खुसूसियात हो, और उसमें ये भी खामी ना हो, 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 तो फिर जरूरत थी उस शख्स का चेहरा भी दिखाने की, जरूरत थी उस शख्स का चेहरा भी दिखाने की। मैं मिसाल देता हूं, मिसाल देता हूं, ये जो हम फजीलतें सुनते हैं जंगे खैबर की, मैं खैबर नहीं पढ़ रहा, सिर्फ आपके जहनों को करीब करने के लिए मिसाल देता हूं कि जंगे खैबर में 39 दिन तक सब मौजूद थे, सब मौजूद, सबने लड़ाइयां लड़ी, सबने अपनी तरफ से कोशिश की, सबने जितनी उनके अंदर गुंजाइश थी उतना उन्होंने जहाद किया, लेकिन खैबर फतह नहीं हुआ। वो जो 40वीं रात है उसमें नबी करीम ने क्या फरमाया? नबी करीम ने नाम किसी का नहीं लिया, औसाफ बयान किए, सिफात बयान किए, सिफात, सिफात क्या है? कहा कि कल सुबह मैं तुम में से ऐसे फर्द को जंग का अलम दूंगा जिसमें ये खुसूसियात मौजूद है। वो खुसूसियात क्या है? वो कर्रार है, आगे बढ़ बढ़कर हमला करता है, गैरे फर्रार है, मुंह मोड़कर भागता नहीं है। इसका मतलब है ऐसे लोग थे ना जो कर्रार नहीं थे, ऐसे लोग थे ना जो मुंह मोड़कर भागने वाले थे, इसलिए तो ये बयान कर रहे हैं ना कि भाई अब मैं उसको दूंगा जो ऐसा ना करे,
यही बात हो रही। ये क्या बयान बात बयान हो रही है? औसाफ, खुसूसियात। ये तो हुआ उस शख्स की जाती शुजात और बहादुरी के हवाले से दो औसाफ। उसके बाद फिर उसका अल्लाह की बारगाह में भी मकाम बयान किया, उसका अल्लाह की बारगाह में मकाम बयान करने का मतलब क्या है? मतलब यह है कि तुम में अगर नहीं है तो अब अपने में से उस शख्स को ढूंढो, वो कौन है जिसका अल्लाह की बारगाह में ये मकाम है? वो क्या है? युहिब्बुल्लाह, अल्लाह उससे मोहब्बत करता है और उसका रसूल भी उससे मोहब्बत करता है। और उसकी खुसूसियत क्या है? वो भी अल्लाह से और उसके रसूल से मोहब्बत करता है। अब तारीख पढ़ी, रसूलुल्लाह यहीं तक कहकर खामोश हो गए। ये खामोशी किस चीज की दलील है? पता क्यों नहीं है? उसी वक्त बता देते मैं कल अली को अलम लूंगा, बात ही खत्म हो जाती। अगर उसी शब्द कह देते कि मैंने कल अली को अलम देना है, वो जंग लड़ेंगे तो बात तो खत्म हो जाती। क्या जरूरत थी इस मुकदमे की, ये खुसूसियात बताने की, औसाफ बताने की, अल्लाह की बारगाह में उनके मकाम को बताने की और नाम लिए बगैर बताने की? ताकि लोगों के अंदर एक जस्तजू, तजस्सुस, एक आरजू कि काश हमें वो मकाम हासिल हो, ये कैफियत सारी रात रहे। इसलिए आप मुअल्लिखीन की किताबें पढ़ें, अक्सर सहाबाए किराम सारी रात मचलते रहे, बेचैन रहे, काश रसूलुल्लाह ने जो औसाफ बयान किए हैं उन औसाफ का मिस्ताक हम करार पाए। लेकिन सिर्फ ख्वाहिशों से तो नहीं होता, उसके लिए फिर वो जौहर भी चाहिए। लिहाजा जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने सुबह पूछा कि अली कहाँ है, तो जवाब मिला अली आंखों की बीमारी में मुब्तला है। ये तमाम अहले सुन्नत मुहद्दिसीन ने खैबर के बाप में ये बात नकल की है, हदीस की शक्ल में नकल किया है कि कहा अली को बुलाओ, अली को बुलाए, बुला के लेके आए तो अली की आंखों को देखकर आपने अपने ज़बान मुबारक से बोलो लआब है वो निकाला और अली की आंखों से लगाया, अली ठीक हो गए। और उसके बाद कहा कि अब देखो मैं परचम किसको देता हूँ। अली का हाथ खड़ा हुआ और अली के हाथ में परचम दिया, ताकि अब सारी दुनिया मुतवज्जे हो कि वो शख्सियत जिसमें ये सारे कमालात मौजूद हैं वो सिर्फ और सिर्फ अली है, अली के अलावा कोई नहीं है। यही कैफियत हजरत ज़हरा की है, यही कैफियत हजरत इमाम हसन की है, यही कैफियत हजरत इमाम हुसैन की है। कुरान का भी ये उसलूब है और खुद नबी करीम का भी ये उसलूब है, उसलूब तरबियत है। एक चीज आसानी से मिले तो इंसान भूल जाता है, मुश्किल से मिले तो आदमी उस मुश्किल की वजह से उसको याद रखता है। अगर आपको सारी बातें आज बता दी जाए तो आप यहां से निकलेंगे, सारी बातें आपके जहन से निकल जाएंगी। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि कल मैंने इस मौजू पे एक ऐसी बात आपको बता दी है कि आप जिंदगी पर नहीं भूलेंगे, तो आपको कल तक एक तजस्सुस रहेगा और उस तजस्सुस की वजह से आपका जहन, आपकी रूह, आपका पूरा वजूद आमादा रहेगा कि कल जो बयान होगा और उसमें जो बात सामने आएगी वो बात आप किस तरह से सुनते हैं और अपने दिलों दिमाग में उसको बसाते हैं। और जब वो बात आप तक पहुंचेगी तो आप कभी भी नहीं भूलेंगे, कभी भी नहीं भूलेंगे। ये उसलूब तरबियत, लेकिन इस उसलूब तरबियत में टाइम लगता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए जहां जहां आयात उतरी वहां वहां आहिस्ता 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 मसादीर भी बयान करनी शुरू कर दी। ये जो मुबाइला की आयत है, मुबाइला की आयत में क्या अल्लाह ये नहीं कह सकता था कि बनी नजरान के इन मसीहियों के मुकाबले में मैं मेरा रसूल खुल जाएगा? कुल कान कुल, ए रसूल इनसे कहिए, नद अबनाना व अबना व निसाना व
ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل. كل صبح میدان میں آؤ, تم بھی آؤ, ہم بھی آتے ہیں. کس طرح سے آتے ہیں؟ نبی کہہ سکتے تھے کہ میں علی, فاطمہ, حسن, حسین کو لے کے آتا ہوں, تم جس کو چاہو لے کے آ جاؤ, کہہ سکتے تھے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجسس میں رکھا. تجسس میں کیوں؟ تاکہ پتہ چلے کہ جو جو اس آیت کو سنتا ہے اس کے ذہن میں ایک سوال بنے کہ بھئی یہ کون لوگ ہیں جن کو اللہ نے ایک کو نفس رسول کہا, ایک کو رسول کا, دو کو رسول کا فرزند کہا, اور ایک کو رسول کی خاتون کہا. ہر ایک کو خواہش بھی ہو کہ ہم شاید اس پر پورا اترے, اور جب وہ افراد منتخب ہوں باقی رہ جائیں تو رہنے والوں کو یہ اندازہ ہو کہ نہیں, ہم اس اہلیت کے حامل نہیں تھے, ان معیارات میں صرف یہی پورا اتر سکتے تھے. اس لیے آپ عملاً دیکھتے ہیں کہ رسول کریم نے قرآن کی آیت سب تک پہنچائی, لیکن جب اگلا دن ہوا تو ایک طرف حسن, دوسری طرف حسین, آگے رسول اللہ, پیچھے علی, اور درمیان میں فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا, تاکہ پوری دنیا کو یہ پتا چلے کہ رسول اللہ کی اگر فرض کریں 11 بیویاں ہیں تو نساء نبی ہیں. نساء نبی ہیں نا, نساء نبی ہیں, یعنی جو قرآن کریم میں یا نساء النبی کے عنوان سے ان سے خطاب ہے, تو یہ ساری بیویاں اس میں شامل ہیں یا نہیں ہیں؟ رسول اللہ کے باقی جتنے اصحاب ہیں جو اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہم نبی کریم کے بہت قریب ہیں, وہ بھی موجود ہیں. خود ان الفاظ میں یہ گنجائش ہے کہ رسول کریم اپنے ساتھ پورا شہر لے کر جائیں, اپنا پورا قبیلہ لے کر جائیں, اپنا پورا خاندان لے کر جائیں, اپنے سارے دوستوں کو لے کے جائیں, سب کو کہیں یہ بھی میری جان ہے, یہ بھی میری جان ہے, یہ بھی میری جان ہے, یہ بھی میری نصاب میں شامل ہے, یہ بھی میری نصاب میں شامل ہے. لیکن بیویوں میں سے کوئی نہیں ہے, 11 بیویاں ہیں لیکن کوئی نہیں آئے, اور بعض ہمارے دوستوں کے مطابق 4 بیٹیاں تھیں تو 4 میں سے کوئی نہیں ہے, ایک ہی ہے. رسول اللہ کا کوئی بیٹا نہیں آئے, لیکن قرآن نے کہا رسول اپنے بچوں کو لے کے جائیں گے, تو فاطمہ اور علی کے بچے یہاں پر رسول کے بیٹوں کی صورت میں وکالت کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں. تو پتہ چلا کہ اللہ نے ان آیتوں کے ذریعے سے ایک تربیت کے اسلوب سے لوگوں کو گزار کر عوام کو بتا دیا کہ اللہ جب تربیت کرتا ہے اور ان کے مصادیق کے طور پر انتخاب کرتا ہے تو اس کائنات میں کامل ترین ہستیوں کا انتخاب کرتا ہے, اور وہ کامل ترین ہستیاں یا خود محمد ہے یا وہ ہیں جو ان کے وجود کا حصہ ہے. صلوات بھیجئے پر محمد والے محمد. لہذا اگر ہدایت تک پہنچنا ہے تو ہدایت تک پہنچنے کے لیے ولایت شرط ہے, ولایت شرط, اور ولایت وہ ہے جس کا اعلان نبی کرے, ولی وہ ہے جس کا اعلان نبی کرے, ولی وہ ہے جس کو معاشرے کے سامنے پیش نبی کرے. لوگ اپنی طرف سے ولی نہیں بن سکتے, لوگ مل کر ولی نہیں بنا سکتے. ایک سمپل سی مثال ہے میں آپ سے عرض کرتا ہوں, ایک حدیث ہے, ایک حدیث. تمام اہل سنت علماء کرام اس حدیث کو نبی سے منقول حدیث کے طور پر قبول کرتے ہیں. آپ کی توجہ ہے؟ جن کی توجہ ہے وہ ذرا اونچی آواز سے سلام بھیجیں. حدیث کیا ہے؟ صرف شیعوں کی نہیں ہے, اہل سنت کے ہاں زیادہ تواتر کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے, مختلف روایات کے کتاب. من مات ولم یعرف
امام زمانه مات میتتا جاہلیہ. جو شخص گزر جائے مر جائے اور اپنے وقت کے امام کو نہ پہچان سکے وہ شخص جاہلیت کی موت مر گیا. من مات ولم يعرف امام زمانه مات میتتا جاہلیہ. اب بہت بڑے بڑے سوالات یہاں پر ابھرتے ہیں, بہت بڑے بڑے. بات سے بڑی عقلی ہے, انسان اگر تھوڑی دیر کے لیے سوچے تعصبات کی عینک کو ایک طرف رکھ کر, جو ہمیں مولویت نے پڑھایا ہے اس کو ایک طرف رکھ کر, اگر ہم سوچنا شروع کر دیں, کتابوں کے غوطے لگانا شروع کر دیں, احادیث کو پڑھنا شروع کر دیں, حتیٰ سیاہ ستہ کو پڑھنا شروع کر دیں, تو پھر ممکن نہیں ہے کہ میں گمراہ ہوں. ممکن نہیں, چونکہ پڑھنے کے بعد انسان پر چیزیں واضح اور آشکار ہوتی چلی جاتی ہیں. جب ہم کہتے ہیں ولی, ولی انسان خود نہیں بناتا, ولی بنانے کے لیے, چونکہ ولی کس کا ہے؟ اللہ کا. تو اللہ کے ولی کا انتخاب میں کیسے کر سکتا ہوں؟ میں اپنے گھر کے سربراہ کے طور پر اپنے بعد کسی کا انتخاب کرنا چاہوں تو لوگ کریں گے اس کا انتخاب یا میں خود کروں گا؟ میں خود. اللہ نے نبی کو بھیجا اس دین کی حفاظت کے لیے, نبی کے بعد اس کے جانشین کا انتخاب کون کرے گا؟ اللہ خود. چونکہ اللہ کے بھیجے ہوئے دین کی مصلحتوں کو باقی انسان اس طرح سے سمجھ نہیں سکتے جس طرح سے خود اللہ کا بھیجا ہوا نبی سمجھ سکتا ہے یا ولی سمجھ سکتا ہے. آپ جب گاڑی بھی خریدتے ہیں تو گاڑی کا جو مینیول ہوتا ہے وہ کمپنی کی طرف سے لکھی گئی ہوتی ہے, اور کمپنی جس کے بارے میں ریکمینڈ کرے کہ یہ میری طرف سے اتھارٹی ہے اسی کو اجازت ملتی ہے گاڑی کو چیک کرنے کی. آپ نے اگر باہر جا کر کسی اور ورک شاپ میں اوپن آپ نے کسی سے چیک کروا لیا تو گاڑی کی قیمت ایک دم آتی ہے کئی لاکھ نیچے, اس لیے کہ آپ نے کمپنی کے ان رولز کو فالو نہیں کیا جو وہ اپنا مینول دیتی ہے آپ کو. کمپنی اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتی ہے کہ فلان جگہ جاؤ وہی لوگ ٹھیک کریں گے اس کو اگر خرابی کوئی پیدا ہوتی ہے. اللہ نے اتنا بڑا دین بھیجا اور مینول قرآن کی صورت میں بھیجا, لیکن قرآن کو سمجھنے کے لیے استاد نہیں بھیجا. تم جس کی مرضی جاؤ اور پوچھو وہ بتا دے, اسی کو اللہ کا دین مان لو. کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ عقل کے خلاف ہے, عقل کے خلاف. یہ جو حدیث میں نے بیان کی, میں چاہ رہا تھا لیکن میں دیکھ رہا ہوں ٹائم ختم ہو گیا. اب جب ٹائم ختم ہو گیا تو میں اس حدیث پر کیا بیان کروں؟ اللہ اگر توفیق دے تو کل انشاءاللہ تعالی اس موضوع پر اگر اللہ توفیق دے اور یاد آئے تو تھوڑا سا اس کو مزید کھولوں گا. آپ ایک دفعہ پھر سلوات دیجیے بس محمد والے کو. آپ کو یاد رہے صحاح ستہ میں روایات کس کے بارے میں؟ امام مہدی علیہ السلام والسلام کے بارے میں. اور روایات کم نہیں ہیں, بہت بڑی تعداد ہے صحاح ستہ میں, بڑی تعداد ہے, اور سیاست کے علاوہ بھی باقی کتابوں میں بڑی تعداد میں. کبھی اگر توفیق ملے تو اس پر بھی میں بات کرتا ہوں آپ سے کہ ان روایات میں کیا ہمیں میسج ملتا ہے. اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ نبی کے بعد نبی کے 12 خلفاء ہوں گے, سب کا اتفاق. تعداد کے لحاظ سے کوئی اختلاف نہیں ہے. توجہ ہے میں کیا ہوں؟ تعداد کے لحاظ سے کوئی اختلاف نہیں ہے. ایک اور نقطے پر بھی سب کا اتفاق ہے, وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ وہ جو 12 ہے وہ مہدی آخر الزمان ہے, اس پر بھی سب کا اتفاق ہے. سب کہتے ہیں کہ وہ جو 12 خلیفہ ہے رسول کا, ہادی ہے, مہدی ہے, منجی ہے, دنیا کو
گمراہیوں سے نکالنے والا ہے، اللہ کی حکومت زمین پر قائم کرنے والا ہے، زمین سے ظلم مٹانے والا ہے، لوگوں کو دین سے جوڑنے والا ہے، ظالموں کو سرنگون کرنے والا ہے، مظلوم کو سربلند کرنے والا ہے، اس کا نام مہدی موعود ہے۔ اس میں کوئی عالم اسلام میں اختلاف نہیں ہے۔ بنوریا کے بہت بڑے مفتی تھے، مفتی نظام الدین شامزئی، بعد میں ان کو قتل کر دیا گیا کراچی میں، تو انہوں نے امام مہدی پر کتاب لکھی ہے، بنوریا کتاب لکھی ہے، بہترین کتاب، امام مہدی کی ذات کے حوالے سے، ان کے صفات کے حوالے سے، ان کی آمد کے حوالے سے، اور فتن کے حوالے سے، فتنوں کے حوالے سے، ان آنے والے چیلنجز کے حوالے سے، بڑی خوبصورت کتاب ہے۔ اور اسی طرح سے روایات کی کوئی کمی نہیں ہے، ایک دو درل، ایک دو درل جیسی کتابیں اہل سنت بڑے بڑے علماء نے لکھی ہیں، امام مہدی آخر الزمان پر اہل سنت بڑے بڑے علماء نے کتابیں لکھی ہیں کہ ایک ہستی ایسی ہے جو آل رسول میں سے ہے اور نبی کریم کے 12ویں جانشین کے طور پر اس نے آنا ہے، ٹھیک ہے، اس نے آنا ہے۔ اس پر سب کہا اتفاق ہے یا اختلاف؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں، اتفاق ہے، سب کا اتفاق۔ ایک جگہ میں کچھ علماء کے ساتھ تشریف بیٹھا ہوا تھا، علماء تشریف فرما تھے مختلف مسالے میں، میں نے اس حدیث پر ذرا بات کی، میں نے کہا یہ بتائیے کہ یہ حدیث متفق علیہ ہے کہاں، کیا اس پر تمام اہل سنت کا بھی اتفاق ہے کہاں؟ میں نے کہا یہ کام کرتے ہیں، سلوات بھیجے پر کروں گا، آج بارش باہر زیادہ ہے اور اس کی وجہ سے جو آپ کی انتظامیہ ہیں وہ بن گئی ہے، جو سرکار ہے اس میں ان کی پریشانیاں شروع ہو گئی ہیں۔ ایک دفعہ پھر سلوات بھیجے پر کروں گا، بس اسی جملے پر میں اپنی گفتگو ختم کروں، ایک دفعہ پھر سلوات بھیجے پر کروں گا، بتائیے کہ کیا اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ ہاں 12ویں امام مہدی ہوں گے، ہاں ہوں گے، باقی 11 میں اختلاف ہے، یہ مسلم ہے، خود علماء اہل سنت کے درمیان بڑا شدید اختلاف ہے کہ وہ 11 کون ہے، لیکن 12ویں پر اتفاق ہے۔ میں نے ان سے ایک سوال کیا، میں نے کہا یہ بتاؤ کہ اگر 12ویں پر سب کا اتفاق ہے تو ایک کام کرتے ہیں، یہ 12واں جو ہے اسلام کا خلیفہ ہوگا یا نہیں؟ ہاں ہوگا۔ پھر یوں کرتے ہیں جو پوری دنیا میں مسلمان بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے اسکالرز اور بڑے بڑے فن خان لوگ موجود ہیں، ان کو ایک جگہ جمع کر کے ان سے کہتے ہیں کہ آپ سب مل کر آپس میں ایک بندے کو مہدی آخر الزمان اور خدا کا خلیفہ مان لیں، باقی سب ان کے ہاتھ بیعت کر لیں اور وہ سب مل کر اسلام کا پرچم اٹھائیں اور زمین سے کفر کا خاتمہ کریں۔ کہا نہیں، کیوں نہیں؟ اس کا انتخاب اللہ کرے گا، اس کا انتخاب اللہ کرے گا۔ تو اب یہاں پر سوال پیدا ہوگا کہ اگر 12ویں کا انتخاب اللہ نے کر رہا ہے تو پہلے کا انتخاب آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ اگر اللہ کے خلیفہ ہیں تو اللہ کے خلیفہ کا انتخاب اللہ نے کرنا ہے، چاہے وہ پہلا ہو یا 12واں۔ اگر 12ویں کا انتخاب آپ نہیں کر سکتے، اللہ نے منتخب کر کے اس کو بھیجنا ہے جو اس کا اہل ہے، تو پھر پہلے کے انتخاب میں آپ کیوں بڑھ بڑھ کر کہتے ہیں یہ لوگوں کا اختیار تھا اور لوگوں نے انتخاب کیا؟ ہدایت کے لیے ضروری ہے کہ آپ سرچشمے علم سے متصل ہو کر نبی سے دین لیں اور نبی کے بعد اس سے لیں جو نبی کا اس علم کے وادی میں وارث بھی ہے اور محافظ بھی ہے۔ سوال دیجیے بس محمد والے، عزیزان گرامی، آج آپ کے یہاں جلوس، اور صرف جلوس نہیں ہے بلکہ حضرت عباس علمدار کا علم بھی لے کر آپ نکل رہے ہیں،
अभी मैं आ रहा था रस्ते में जुलूस था, ये अलम किसकी निशानी है? उस शुजा तरीन हस्ती की जिसने करबला के मैदान में अपनी शुजात अपने अंदर रखी दिखा नहीं सका। देखिए बड़ा सख्त होता है जब इंसान की निगाहों के सामने छोटे छोटे बच्चे कत्ल हो जाए, नौजवान कत्ल हो, भाई कत्ल हो, बेटे कत्ल हो, और उसके बावजूद इंसान उनको मार भी सकता हो और तलवार निकाल भी ना सके, शुजात दिखा भी सकता हो लेकिन दिखा भी ना सके। अब्बास अरमदार इस हवाले से बहुत बड़े मशहूर हैं, बहुत बड़े मशहूर। जो वो कर सकते थे वो कुछ और था, लेकिन करबला में इजाजत नहीं हुई, चूंकि बहुत इसके लिए बर्दाश्त चाहिए। इंसान अपने गुस्से अपने जज्बात के इजहार का मौका अगर उसको मिले तो उसकी भड़ास निकल आती है, मुतमिन हो जाता है, लेकिन अगर अपने जज्बात का इजहार न कर सके और अपने आप को शुरूरी तौर पर रोके तो उसके लिए बड़ी ताकत चाहिए, बड़ा हौसला चाहिए, बड़ी बर्दाश्त चाहिए, और अब्बास अरमदार ने वो बर्दाश्त करबला में करके दिखाया। इसलिए अब्बास का मकाम भी बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचा मकाम है, बहुत अजीम मकाम है। इसलिए अब्बास अरमदार को अल्लाह के इन औलियाउल्लाह ने बाबुल हवाइज करार दिया है कि अगर तुम्हारी कोई हाजत है तो अब्बास के दरवाजे का रुख करो, हाजत तुम्हारी पूरी हो जाएगी। इसके लिए अल्लाह ने वो मकाम दिया है, अब्बास वो मकाम दिया है। सिर्फ इस दुनिया में नहीं, उस दुनिया में भी वो अजीम मकाम, वो अजीम मकाम। दो चार नुकात अर्ज करूं, चूंकि टाइम अब कम है, मैं कोशिश करूंगा थोड़े से मसाइल भी हूं। फिर आपने इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की वो हदीस सुनी होगी या शायद मैंने सुनाई हो, इमाम फरमाते हैं कि जब महशर बर्पा होगा, सारा महशर हजरत आदम से लेकर क़यामत तक के तमाम इंसान मैदान महशर में मुस्तरिब परेशान और रो रहे होंगे कि हमारे साथ क्या होगा। सबको शफात का इंतजार होगा, सब बेताब होंगे, उनके इज़्ज़त, उनकी बेताबी, उनकी परेशानी, उनकी तकलीफ को देखेंगे, रहमत दो आलम की रहमत जोश में आएगी, ऊंची आवाज से पुकारेंगे बेटी फातिमा कहाँ हो। जैसे ही आप पुकारेंगे बेटी फातिमा कहाँ हो तो क्या देखेंगे, सारा मक्षर वाले देखेंगे कि आसमान की तरफ से एक निदा आती है कि ऐ अहले मक्षर अपनी निगाहें झुका लो, फातिमा की सवारी आ रही है। और जब वो सवारी आएगी तो 70,000 फरिश्तों की झुरमुट में जमीन पर ये सवारी आएगी, फातिमतुज़्ज़हरा नबी के सामने खड़ी खड़ी होगी और पूछेगी, बाबा हुक्म दीजिए क्या करूं। फरमाएंगे कि बेटी फातिमा इस उम्मत के इन गुनाहगारों की शफात के लिए क्या लेकर आई हो, तो क्या जवाब मिलेगा? अहले मस्जिद इस तरह परेशानी और तजस्सुस से देखेगा, क्या देखेगा? देखेगा कि फातिमतुज़्ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा अपनी अबा के अंदर से अपने दोनों हाथ बाहर निकालेंगी, महशर वाले देखेंगे दो कटे हुए बाजू लटक रहे हैं। ये जो दो कटे हुए बाजू लटक रहे हैं किसके हैं? नबी करीम पूछेंगे, बेटी क्या लेकर आई हो? जवाब में फरमाएंगी, बाबा मैं करबला के मैदान से अपने बेटे अब्बास के कटे हुए बाजू लेकर आई ताकि इस उम्मत की शफात हो सके। अब्बास वो अब्बास, वो अब्बास, वो अब्बास जिसको बड़े बड़े उलमा कहते हैं और लिखते हैं कि अगर करबला में किसी को हौसला था तो वो अब्बास की वजह से। ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की आस कब टूटी है पता है? कब टूटी है? अल्लाह मुस्लिमा हुई का वो जुमला है, तीन जुमले हैं जो वो नकल करते हैं उनकी सवारे उर्दी में, करबला आते बाबुल करबला में खड़े हो जाते, हजरत अब्बास अरमदार के ज़रीह की तरफ देखते और तीन सलाम भेजते, तीन सलाम। उनमें से पहला सलाम ये होता, अस्सलामु अलैक या शबाब अल हुसैन, ए हुसैन की जवानी अब्बास आप पर मेरा सलाम। क्यों?
इसलिए कि जब अब्बास की शहादत की खबर आई तो हुसैन इब्ने अली एक दफा कब्र पर हाथ रखकर झुक गए और फरमाया अल आन इनकसरत ज़हरी, अब मेरी कमर टूट गई, मेरा अब्बास जुदा हो गया। वो अब्बास और दूसरा जुमला बड़ा ही खतरनाक जुमला, बड़ा ही खतरनाक, फरमाते अस्सलाम अलैक या हिजाब ज़ैनब, ऐ ज़ैनब के हिजाब अब्बास आप पर मेरा सलाम हो। रिवायात बताती हैं कि जब ज़ैनब से कहा जाता कि ज़ैनब आपका हिजाब कर्बला में छिनेगा तो फरमाती हैं जिसका अब्बास जैसा भाई हो उसका हिजाब छिनेगा, लेकिन जिस दिन अब्बास शहीद हुए और जिन लम्हात में अब्बास शहीद हुए वहां पर ज़ैनब को यकीन हो गया कि अब हिजाब भी छिनेगा और बाजुओं पर रस्सियां भी बांधी जाएंगी, इसी फरमाया सलाम अलैका या हिजाब ज़ैनब। और तीसरा जुमला बड़ा ही दर्दनाक जुमला है और किन के लिए, साहिबाने औलाद के लिए, वो जुमला क्या है, अस्सलामु अलैके या साकिस सकीना, ए सकीना के साकी अब्बास आप पर मेरा सलाम हो। सकीना के साकी का क्या मतलब है, जब असर आशूर हुसैन तन्हा रह गए और सिर्फ अब्बास थे तो अब्बास को मुखातब करके फरमाया कि अब्बास क्या इरादे है, हजरत अब्बास इजाजत चाह रहे थे, फरमाया कि अब्बास अगर तुम भी चले गए तो लश्कर का क्या होगा। जवाबन एक जुमला इरशाद फरमाया हजरत अब्बास ने, फरमाया कि जो लश्कर था वो है कहाँ जिसका मैं सिपहसालार हूं और जिसके लिए आप मुझे बचाना चाह रहे हैं, फरमाया फिर कहा मुझे भी इजाजत दीजिए, कहा अब्बास तुम लड़ो मत जाकर जरा पानी लेकर आओ। अब यहाँ पर तारीख निगारों ने, मक्तल निगारों ने हजरत सकीना की एक कैफियत बयान की है, सकीना को जैसे ही खबर मिली ना कि मेरे चचा पानी के लिए जा रहे हैं उन्होंने क्या किया, वो फौरन निकली मुखैम में, मुख्तलिफ खेमों में गई, जिन जिन खेमों में छोटे छोटे बच्चे थे और दिन दिन की प्यास की वजह से बिलख रहे थे उन सब बच्चों से जाकर कहा बच्चों मेरे चचा पानी लेने जा रहे हैं, अब पानी आएगा तुम्हारी प्यास बुझ जाएगी, अब पानी आ रहा है तुम्हारी प्यास बुझ जाएगी। अब क्या किया, उन तमाम बच्चों को जमा किया अपने खेमे में और मुर्रख कहते हैं और ये जो मख्तल निगार है वो कहते हैं कि हर बच्चे के हाथ में कटोरा था कि अभी अब्बास आते हैं और हमें पानी पिलाते हैं। इस कैफियत में अब्बास निकले हैं कहां पानी लेने के लिए, लेकिन जब फरात में वो उतरे हैं और तलवार इस्तेमाल किए बगैर, अगर तलवार इस्तेमाल करते तो कौन बचा, फरात में उतरे पानी उठाया खेमे में वापसी से पहले मशीजे को भरने के बाद अपने चिल्लू में पानी लिया गिराया, बताया कि पानी पर अब्बास का कब्जा है लेकिन उस पानी को अपने लबों तक जाने नहीं दिया, क्यों, हुसैन प्यासा है, हुसैन इब्ने अली के छोटे छोटे बच्चे प्यासे हैं और अब्बास की गैरत गवारा नहीं करती ये खेमे में बच्चे प्यास से पिलक रहे हों और अब्बास अपने लब तर करें। इसलिए बाज़ रिवायात में लिखा है कि हजरत अब्बास ने घोड़े से कहा घोड़े तुम पानी पी लो, लेकिन ये घोड़ा भी किसका घोड़ा था, अब्बास का, इसलिए उस घोड़े ने भी पानी पीने से इनकार कर दिया। अब जब पानी लेकर निकले तो अब एक हाथ में मशकीजा है दूसरे में तलवार है और गले में मशकीजा लटका हुआ है, एक हाथ में अलम है दूसरे में तलवार है और गले में मशकीजा लटका हुआ है, खेमे की तरफ आ रहे हैं पूरी ताकत के साथ, ख्वाहिश यही है कि खेमे तक पानी पहुंच सके। एक दफा एक खजूर के दरख्त के पीछे से एक शकी अचानक निकलता है और वार करता है, जैसे ही अब्बास के बाजू पर वार होता है और बाजू गिरता है अब्बास की जबान से एक मिसरा निकलता है, वल्लाह इन कतअतुम यमीनी इन्नी उहामी अबदन अन दीनी, बेशक तुम मेरे बाजू काटो लेकिन मैं अपने मौला हुसैन की हिमायत से एक लम्हे पीछे नहीं हटूंगा। दूसरा वार होता है, दूसरा बाजू भी कट जाता है,
अब जब दोनों बाजू कट गए तो हाल क्या होना चाहिए। एक दफा अब्बास की आरजू सिर्फ यही है कि किसी तरह से ये पानी खेमे तक पहुंच सके। अब उस पानी को बचाने के लिए मुर्रखीन लिखते हैं कि अब्बास ने अपने आप को झुका लिया पानी सीने पर और खुद अब्बास उस पानी के ऊपर अपना सीना रखकर घोड़े की सीध खेमे की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अचानक चारों तरफ से तीरों की बारिश शुरू हो गई। ये जो तीरों की बारिश शुरू हुई, तीर बदले उस अब्बास में बेबस होते चले गए, तो उसके बाद एक वक्त ऐसा आया कि एक तीर लगा मशीदे पर, मशीदे का पानी गिरा, जैसे ही पानी गिरा अब्बास की आस टूट गई। ये जो अब्बास की आस टूट गई, अब अब्बास के पास कोई मकसद नहीं रहा, इसलिए आप देखते हैं अब्बास के घोड़े का रुख ख्याम से दूसरी तरफ हो गया। क्यों? इसलिए कि अब्बास को हया आती है कि वो ख्याम की तरफ जाए, इसलिए कि बच्चे पानी के इंतजार में हैं। लेकिन कब तक? कुछ देर आगे चले, एक लहीन का गुर्ज बुलंद हुआ, सरे अक्दस से टकराया, जमीन पर तशरीफ लाए, एक दफा आवाज निकली, वाह अखा अदरक अखा भाईजान, अब आइए अब्बास के सरहाने पर। लेकिन जब हुसैन सरहाने अब्बास में पहुंचे, एक अजीब मंजर था। क्या मंजर था? अब्बास की एक आंख में तीर लगा हुआ है और अब्बास किस तरह से जमीन पर है, इस तरह से कि आपके बदन पर हर तरफ से तीर लगे हुए हैं और उन तीरों की वजह से आप जरा सोचिए, जब अस्क के पुश पर से जमीन पर आ रहे होंगे, कोई गिरता है तो सबसे पहले हाथ का सहारा लेता है। अब्बास गिर रहे हैं, हाथ नहीं है, जब गिरे हैं तो किस तरह से गिरे होंगे। हुसैन ये मंजर देख रहे हैं कि अब्बास तीरों के ऊपर है, तीर निकालते हैं, अब्बास का सर अपनी गोद में रखते हैं, क्या देखते हैं? एक आंख में तीर है और हुसैन अब्बास कोशिश कर रहे हैं अपने गुटरों की मदद से उस तीर को आंख से निकालें। आप उस तीर को तो निकालते हैं, लेकिन जब सर अब्बास को अपने गुटरों पर रखते हैं तो एक दफा अब्बास अपना सर उठाकर जमीन पर रखते हैं, पूछते हैं, भाई अब्बास क्यों अपना सर जमीन पर रख रहे हो? जवाब मिलता है, भैया अगर कुछ देर बाद आप शहीद होंगे तो आपका सर किसके गुटरों पर होगा?